नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। कर्नाटक में 9 मुस्लिम उम्मीदवार जीते, सभी कांग्रेस से जेडीएस ने 23 पर लगाया था दांव। मोका 1982 के बाद तीसरा सबसे शक्तिशाली तूफान, हवा की रफ्तार 260 किलोमीटर के पार। देश में ही निर्मित होंगे 928 रक्षा उत्पाद, पूंजीगत खरीद पर खर्च होंगे 130 अरब डॉलर। हल्दी घाटी हो या गलवान घाटी, भारत ना झुका है ना झुकेगा। महाराष्ट्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अगर कोई हमें उकसाएगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। सीमा से ज्यादा खाद तेल रखने पर दुकानदार ने 37 साल लगाए कोर्ट के चक्कर, लेकिन अब नहीं जाना पड़ेगा जेल। हाईकोर्ट ने 4 जुलाई 2017 को सुनाया था फैसला। महाराष्ट्र के अहमदनगर में 2 गुटों में हिंसा, जुलूस के दौरान नारेबाजी पर हुआ पथराव, कर्फ्यू लगा, अकोला में हिंसा के बाद तनाव। कांग्रेस विधायकों से मिलने बेंगलुरु के शांग्रीला होटल पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार, बोले दिल्ली जाने के बारे में फैसला नहीं किया, समर्थकों ने जन्मदिन की बधाई दी। छह सौ मदरसे बंद किए इस साल, 300 और करूंगा। तेलंगाना में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा बोले कि हम राज्य में मदरसे नहीं, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी चाहते हैं। कर्नाटक में होना चाहिए मुस्लिम डिप्टी सीएम, बोला सुन्नी वक्फ बोर्ड, 5 मंत्री पद की भी डिमांड। डिस्ट्रॉयर मोर मुगाव से ब्रह्मोस की कामयाब टेस्टिंग, हमलावर मिसाइल को हवा में ही मार गिराया, शिप का 75% हिस्सा देश में बना। एमसीडी में बीजेपी को बड़ा झटका, आपसे बीजेपी में गए पार्षद ने दोबारा पार्टी का दामन थामा। धमकी से डरने वाला नहीं बजरंग दल, कर्नाटक में बैन किए जाने के कांग्रेस के ऐलान पर आया विश्व हिंदू परिषद का बयान, चुनावी वादों से पलटी कांग्रेस। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा, भारत के विश्व गुरु बनने का रास्ता G20 से नहीं सार्क से होकर गुजरता है। बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए विपक्षी एकता में शामिल होगा ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, विपक्ष के कई नेताओं से की मुलाकात। तमिलनाडु में दिखा जहरीली शराब का कहर, 3 महिलाओं समेत 10 लोगों की मौत, एक व्यक्ति को किया गया है गिरफ्तार। औरैया में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, ससुराल पक्ष पर लगा हत्या का आरोप, मजिस्ट्रेट ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी निकाय चुनाव में 2020 की तैयारियों में जुटी भाजपा, भाजपा की नई प्रदेश टीम का हुआ गठन। गाजियाबाद के ब्यूटी पार्लर में चल रहा धर्मांतरण का खेल, ब्यूटी पार्लर संचालिका गिरफ्तार, पुलिस ने ब्यूटी पार्लर संचालिका को किया गिरफ्तार। हमीरपुर में दबिश देने गए पुलिस पर हमला, बदमाश ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार।
कुशीनगर से सबीना खातून ने जीत दर्ज की। जीत के बाद जनता को दिया धन्यवाद, बोला विकास मेरी पहली प्राथमिकता होगी। मायावती के चेतावनी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले चुनाव फिर होगा, मायावती ने जाहिर किया संतोष। अलीगढ़ में एनएच 91 पर कार बनी आग का गोला, कार में जिंदा जलकर हुई चालक की मौत, मां बेटी ने कूद कर बचाई जान। अलीगढ़ में निर्दलीय और भाजपा पार्षद में हुई मारपीट, पुलिस ने भाजपा के पूर्व पार्षद को किया गिरफ्तार। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी, सीएम ने लगाया जनता दरबार, कलश यात्रा का किया शुभारंभ। भजन सम्राट अनूप जलोटा पहुंचे गाजीपुर, राम रमैया कार्यक्रम में होंगे शामिल, जिले के 12 चयनित कलाकारों के साथ करेंगे प्रस्तुति। गाजीपुर में निकाय चुनाव में विपक्ष ने लगाया धांधली का आरोप, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने किया पलटवार, बोले नगर निकाय चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हुए हैं। सर्वाधिक विधायक वाले जिलों में बरकरार रहा सपा का दबदबा, कई सपाइयों ने निर्दलीय होकर जीता चुनाव। लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद, खुलेआम दबंगों ने की जमकर मारपीट। लखनऊ में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। उनहत्तर हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में 19,000 सीटों पर आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई। लखनऊ में सपा नेता दारा सिंह यादव ने दिया इस्तीफा, समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय में दिया इस्तीफा। लखनऊ में बीजेपी पूर्व महापौर ने सुषमा खरकवाल को दिया आशीर्वाद, सुषमा खरकवाल ने जन समस्याओं पर की चर्चा। लखनऊ में असलहा लेकर बुलेट पर खतरनाक स्टंट, अवैध असलहे के साथ युवक का वीडियो वायरल। रायबरेली में खेलो इंडिया का मशाल जुलूस, रायबरेली पहुंचे अधिकारी और खिलाड़ियों ने किया स्वागत। दिव्यांग सफाईकर्मी की पुत्री का सीएम योगी ने कराया अन्नप्राशन, अपने हाथों से खिलाई खीर। संशय में मुस्लिम, फायदे में भाजपा, अधिकतर निकायों में हिंदू मतों का ध्रुवीकरण जीत का आधार बना। अलीगढ़ में बच्चों के चाय बनाने का वीडियो हुआ वायरल, सरकारी विद्यालय से बच्चों का वीडियो आया सामने, वायरल वीडियो में बच्चे लगा रहे झाड़ू। अलीगढ़ में किन्नरों के दो गुटों में हुआ विवाद, कार्यक्षेत्र को लेकर हुआ था विवाद, किन्नरों ने किया जमकर हंगामा। अलीगढ़ में दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट भी हुई है, मजदूरी के रुपए मांगने पर दो पक्षों में हुआ विवाद। अंबेडकर नगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 25,000 का इनामे बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, शातिर बदमाश शान मोहम्मद काफी दिनों से चल रहा था फरार।
अंबेडकर नगर में हिजाब में दिख रही महिला का बेटे के साथ वीडियो वायरल। सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाने का वीडियो आया सामने। औरैया में अज्ञात कारणों से छप्पर में लगी आग, आग लगने से मचो हड़कंप। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। बुलंदशहर के कजौरिया कंपनी में श्रमिक की मौत। कंपनी के गेट पर स्वजनों का रो रोकर बुरा हाल। मौके पर हुई दर्दनाक मौत। फरीदाबाद में बाइक और स्कूटी में टक्कर होने पर मचा बवाल। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस के सामने भी हुई जमकर मारपीट। हमीरपुर में हिस्ट्री शीटर ने दारोगा को मारी गोली। गंभीर हालत में दारोगा जिला अस्पताल में भर्ती। हिस्ट्री शीटर के घर दबिश देने गया था दारोगा। प्रदेश की एक एक इंच भूमि का हिसाब जुटाएगी सरकार। पूरे राज्य का जीआईएस मैप किया जाएगा तैयार। अटल उत्कृष्ट स्कूलों में शिक्षकों को दी जाएंगी सुविधाओं का नतीजा रहा फिर खराब। सरकार पर हर साल 15 करोड़ का अतिरिक्त बोझ। खराब नतीजे देने वाले शिक्षकों पर लटकी कार्रवाई की तलवार। पहले ही तय कर दी गई थी शर्तें। उत्तराखंड में पार्टी को लेट हुआ था मुस्लिम यूनिवर्सिटी विवाद। कर्नाटक में बजरंग बली ने लगाई नई अपार। प्रदेश में महंगाई दर घटी फिर भी देश में सबसे अधिक। एनएसओ की ओर से जारी किए गए आंकड़े। हेलीकॉप्टर टिकट के नाम पर महाराष्ट्र के यात्री से 1 लाख की ठगी। आरोपी गिरफ्तार। गुप्त काशी और फाटा पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई। बीस बच्चों को ले जा रही स्कूली बस हुई हादसे का शिकार। टायर फटने से अनियंत्रित होकर दुकान में घुसी। प्रदेश में 4 लाख से अधिक आबादी को रोजाना मिलेगा 16 घंटे पानी। इन 5 जिलों में बन रही योजना गुणवत्ता के 23 पैमानों पर खरा उतरता है पानी। रेंजर्स को नहीं दिया गया चार्ज। हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी वन महकमे का उदासीन रवैया। डीएफओ पर गिर सकती है गाज। सूख गए प्रदेश के 23% झील और तालाब। मंत्रालय ने पहली बार जारी की वाटर बॉडी सेंसर रिपोर्ट। अब जल्द पता चल जाएगा आवाज नकली है या फिर असली। कुमाऊं फॉरेंसिक लैब में होगी जांच शुरू। सहकारिता भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट फिर समिति को भेजेंगे। 1 साल से ज्यादा समय बीता। तबादलों के लिए पात्र 700 से अधिक शिक्षकों के नाम पात्रता सूची से गायब। सुगम में 4 साल की सेवा कर चुके शिक्षक तबादलों के लिए पात्र हैं। पेयजल निगम ने बनाया रिकॉर्ड। यमुना से 1.2 किलोमीटर ऊंचाई पर रात 1 बजे मसूरी पहुंचा पीने का पानी। केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश बोले युवा मोटे अनाज की खेती करे तो कमा सकते हैं लाखों। अमेरिका में अज्ञात हमलावरों ने फिर की गोलीबारी। 2 लोगों की मौत 5 घायल। पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं।
अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे दो ग्रहों की हो गई है खोज, नाम दिया सुपर अर्थ, परफेक्ट डेटा भेज रहा स्पेसयान। लंदन प्लान उजागर हो चुका है, पूर्व पीएम इमरान खान ने जताया अपनी पार्टी को गैर कानूनी घोषित किए जाने का डर। लंदन के गैटविक एयरपोर्ट पर ड्रोन की सूचना से हड़कंप, बंद कर दिया रनवे, उड़ाने हुई प्रभावित। चीन और रूस की डील से दुनिया को खतरा, टेंशन में आए जापान ने दी चेतावनी, बैठक में चीन के विदेश मंत्री को नहीं बुलाया गया। बांग्लादेश में चीन ने बनाया सबमरीन स्टेशन, बंगाल की खाड़ी में भारत के लिए बड़ा खतरा। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर वोलोदिमीर जेलेंस्की का बड़ा ऐलान, कहा इस साल तक खत्म कर देंगे जंग, राष्ट्रपति ने जर्मनी का आभार व्यक्त किया। अमेरिका में फिर गोलीकांड, गोलीबारी की घटना में हुई बढ़ोतरी, अज्ञात हमलावरों की धुआंधार फायरिंग, दो की मौत, पांच घायल। सेना जनरल की मिलीभगत के बाद जला जिन्ना हाउस, पाकिस्तानी पत्रकार ने किया खुलासा। पाकिस्तान में छापेमारी के दौरान 22 अफगानी नागरिक गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज के साथ रह रहे थे शरणार्थी, लाखों अफगानी लोग लौट चुके हैं अपने देश। अगर टू व्हीलर्स खरीदने की तैयारी में है तो थोड़ा कर ले इंतजार, हीरो मोटोकॉर्प ने किया बड़ा ऐलान, 125 सीसी और 160 सीसी की बाइकें भी करेगी लॉन्च। स्टैक ओवरफ्लो ने 10% कर्मचारियों की छटनी की है, ऑटोनॉमस डिलीवरी भी 30% नौकरियों में कटौती करेगा। रिलायंस और एचयूएल ने अपने निवेशकों की करा दी चांदी, आईटीसी और इन्फोसिस ने कराया नुकसान। सभी के फैसले से म्यूचुअल फंड कंपनियों को लगा बड़ा झटका, एमएफ निवेश में आई बड़ी गिरावट। गर्लफ्रेंड के चक्कर में एयर इंडिया के पायलट ने बीच हवा में कर दिया कान, डीजीसीए ने ठोका 30 लाख का जुर्माना। जाम छलके को ऑफिस में कामगारों के बीच आ गया है नई एक्साइज पॉलिसी का फरमान, लाइसेंस देने की प्रक्रिया बार लाइसेंसों के लिए लागू होगी। विदेशी निवेशकों की दीवानगी, शेयर बाजार को लेकर बढ़ी, मई के पहले पखवाड़े में 23,152 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश। सरकार ला रही धासू सिस्टम, मोबाइल चोरी या गायब होने पर मिनटों में लगाएंगे पता, वही चोरी के मोबाइल का रुकेगा इस्तेमाल। जियो सिनेमा ने लॉन्च किया सब्सक्रिप्शन प्लान, 999 रुपए में साल भर ले सकेंगे इसका मजा, एक साथ चार डिवाइस पर देख सकेंगे कंटेंट। मार्केट में इस हफ्ते तेजी का अनुमान, WPI इन्फ्लेशन से लेकर 500 से ज्यादा कंपनियों के QR रिजल्ट्स तय करेंगे बाजार की चाल। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने हासिल किया पहला स्थान, राजस्थान रॉयल्स को हराते ही बना दिया धासू रिकॉर्ड। बैसाखी पर नजर आए केएल राहुल, आरसीबी के खिलाफ मैच में हुए चोटिल सर्जरी के बाद शेयर की पहली तस्वीर।
आईपीएल 2023 में 22 साल के युवा खिलाड़ी प्रभसिमरन सिंह ने ठोका श्वेता के की झटके में कई रिकॉर्ड किए चकनाचूर। अमित मिश्रा को आपा खोना पड़ा भारी, लाइव मैच में अंपायर से पड़ गई डांट। आईसीसी ने किया नियम में बहुत बड़ा बदलाव, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं होगा सॉफ्ट सिग्नल, 1 जून से लागू हो जाएगा आईसीसी का नया नियम। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान नीतीश राणा बुरे फंसे, बीसीसीआई ने कैप्टन सहित पूरी टीम को दी बड़ी सजा, कप्तान पर लगा जुर्माना। लियोनेल मेसी के बिना बार्सिलोना ने जीता ला लीगा खिताब, विरोधी टीम के फैंस ने मचाया बवाल, कोच जावी ने कहा कि ये एक शानदार एहसास है। रिंकू सिंह ने केकेआर को फिर मुसीबत से निकाला, 13 मैचों में बनाया 407 रन, बीसीसीआई कभी भी दे सकती है बड़ी खुशखबरी। नोएडा के पूर्व डीएम सुहास एलवाई ने दुनिया में लहराया तिरंगा, पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। उनसठ पर आउट होते ही राजस्थान के नाम हुए कई शर्मनाक रिकॉर्ड, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस लिस्ट में सबसे आगे, राजस्थान के बल्लेबाज पूरी तरह फेल। प्रियंका चोपड़ा की बेटी का नूरानी चेहरा देख फैंस गदगद हुए, मालती मैरी की स्माइल ने जीता दिल, बेटी की तस्वीरें हो रही वायरल। आइस मार्च शंकर के सीक्वल के साथ लौटेंगे पुरी जगन्नाथ, लाइगर पिटने के बाद फिर मिलाया राम संघात। अजय देवगन की थ्रिलर फिल्म में नजर आएंगे माधवन, दृश्यम 2 के बाद एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएंगे कदर। द केरला स्टोरी भारत के बाद अब विदेश में भी मचवाएगी धूम, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों का आंकड़ा पार कर चुकी है। शहनाज गिल को नहीं हिना खान को याद है, सिद्धार्थ शुक्ला कहा सिद्धार्थ हमें देखकर मुस्कुरा रहे होंगे। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने ली अजनबी से बाइक पर लिफ्ट, लोगों ने किया ट्रोल, सिखाए ट्रैफिक रूल्स, राकेश रोशन भी हुए फैन। द केरला स्टोरी के एक्ट्रेस अदा शर्मा हुई रोड एक्सीडेंट का शिकार, ट्वीट कर फैंस को दिया हेल्थ अपडेट। भारती सिंह ने बेटे के साथ पहली बार किया रैंप वॉक, कुर्ता पैजामा में गोला ने अपनी क्यूटनेस से जीता सबका दिल। द केरल स्टोरी फेम एक्ट्रेस योगिता बिहानी ने किया खुलासा, मुझे लेकर डरे हुए हैं पिता, सक्सेस से हैरान है एक्ट्रेस। परिणीति के सगाई में प्रियंका चोपड़ा ने जमाया रंग, ग्रीन साड़ी में लगी बड़ा की खूबसूरत। देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।